एवरीवन, आज की वीडियो में हम सीखेंगे एम्ब्रॉयडरी वाले गले को किस तरीके से बनाते हैं। ये वीडियो मैंने उन बिगनर्स के लिए बनाई है जिनको एम्ब्रॉयडरी वाला गला बनाने में दिक्कत आती है, और बनाना बिल्कुल आसान है इसको। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गला बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे पेपर पेस्टिंग और उसको कट कर लेंगे बिल्कुल इस तरीके से। गले के दोनों साइडों में दो दो इंच एक्स्ट्रा रख लीजिए। उसके बाद पेपर पेस्टिंग के बिल्कुल साइज़ का ही हम एक कपड़ा लेंगे और उसको प्रेस की मदद से चिपका लेंगे इस तरीके से। बिल्कुल चारों तरफ से आपको कॉर्नर चिपकाने हैं और दूसरी तरफ से पलट के भी इसको अच्छे से पेस्ट कर लीजिए। कपड़ा और पेस्टिंग दोनों आपस में बहुत अच्छे से पेस्ट होनी चाहिए। अब हम गला बनाएंगे। गले के सेंटर पर एक कट लगा लीजिए और एक कट आप इस पेस्टिंग को फोल्ड करके एक बीच में सेंटर में एक कट लगा लीजिए और दोनों कट को मिला के एक सिलाई लगा दीजिए सेंटर पर इस तरीके से। बिल्कुल सीधी सिलाई और गले के बिल्कुल सेंटर पर सिलाई आनी चाहिए। अब इस गले को पलट लीजिए। अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल किनारे पर गले के एक और सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। गले के एकदम किनारे किनारे पर आपको सिलाई लगानी है फिनिशिंग के साथ। इधर उधर सिलाई मत करिएगा। एम्ब्रॉयडरी के बिल्कुल साइड साइड में आपको सिलाई लगानी है। उसके बाद जो सिलाई हमने लगाई है, एक पैर का मार्जिन रख के आपको ये सिलाई को चारों तरफ से कट कर देना है इस तरीके से। हम इसमें कट नहीं लगाएंगे बीच में, बिल्कुल बिना कट लगाए ही हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगाएंगे पट्टी के। इस पट्टी को एक साइड में करते जाइए और बिल्कुल किनारे पर एक सिलाई लगाते जाइए इस तरीके से। बिल्कुल किनारे पर आपको सिलाई लगानी है। उसके बाद जो हमारा ये पेस्टिंग है, इसको कट कर लीजिए बिल्कुल इक्वल तरीके से। जितना भी आपको गले की पट्टी चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपको ये कट करना है। जितनी चौड़ी आपको पट्टी चाहिए उतना ही चौड़ा इसको पट्टी को छोड़ के एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर लीजिए। और अब एक किनारे पर यहाँ पर सिलाई लगा दीजिए ताकि हमारी पेस्टिंग और जो ये कपड़ा है वो चिपका रहे, नहीं तो हमारा ये कपड़ा उतर जाता है जब हम इसको फोल्ड करते हैं पट्टी को। उसके बाद हम ये सिलाई लगाने के बाद पट्टी को फोल्ड करेंगे ताकि हमारी पेस्टिंग उस पर पेस्ट बिल्कुल अच्छे से चिपकी रहे। किनारे पर बिल्कुल सिलाई लगाइए और पतला पतला कपड़ा इसको फोल्ड कर लीजिए गले के चारों तरफ। बिल्कुल इक्वल पट्टी होनी चाहिए आपकी। इस तरीके से हमारा गला बन के रेडी हो गया है। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके से पट्टी को पीछे की तरफ फोल्ड करके उसको सबसे पहले मैं अभी प्रेस करूँगी ताकि हमारी ये पट्टी चिपक जाए, इस तरीके से बैठ जाएगी ये प्रेस से। ये देखिए बहुत अच्छे से फिनिशिंग से हमारा गला बन गया है। अब एक बार मैं सीधी साइड से भी एक बार प्रेस मार देती हूँ ताकि गला अच्छे से बैठ जाए। तो फ्रेंड, ये गला हमारा बन के रेडी हो चुका है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ऐसी ही नई वीडियो के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।